तिल ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1/4 कप जितना बादाम डाला है, उसके साथ ही 1/4 कप जितना काजू और 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे पिस्ता और 1/4 कप जितना यहाँ पे मैंने तिल डाला है और फिर मैंने यहाँ पे डाला किशमिश और उसके साथ ही मैंने ड्राई कोकोनट 1/4 कप। अभी हमें इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है और गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही करेंगे, तो कंटिन्यू इसको चलाते रहे। आप चाहो तो यहाँ पे एक ही करके अलग अलग भी इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हो। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स सब एक साथ में ही ऐड करा है, तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसका पाउडर बनाना है। तो ये देखिए, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। ज़्यादा भी इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसका जो कड़वापन आता है इसमें, तो मैंने इसको बस 4 से 5 मिनट के लिए करा है। फिर मैंने यहाँ पे दूसरे पैन में 1 चम्मच जितना घी डाला है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है 1/2 कप जितना। मैं ये थोड़ा ब्लैक वाला गुड़ ले रही हूँ, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। ये आप चाहो तो कोई भी गुड़ यूज़ कर सकते हो। एंड फिर हमें इसको ऐसे मेल्ट करना है, पकाना नहीं है, ऐसे कुछ तार वार नहीं बनाने हैं। तो बस ये देखिए, थोड़ा सा हल्का सा इसको 1 से 2 मिनट के लिए, तो ये हमारा ये गुड़ की प्यूरी भी बन के तैयार है। ये देखिए, थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको और मेल्ट करूँगी ताकि वो जो पाउडर है उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हल्का लिक्विड ही हो गया है, तो ये अभी गुड़ का प्यूरी बन के तैयार है। और मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को सबको अच्छे से पीस लिया था, ये एकदम दरदरा पीसा है, ये देखिए दानेदार। और फिर मैं इसको एक बाउल में डाल लूँगी, देखिए। और इसके बाद जो हमने ये गुड़ की प्यूरी बना के रखी थी, ये उसमें ऐड कर लेंगे। अभी हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, देखिए। और फिर हमें इसका लड्डू बना के तैयार करेंगे। ये बहुत हेल्दी होते हैं, आप विंटर में बनाइए और बच्चे ये आराम से खा लेते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक। तिल गुड़ लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप जितना तिल डालेंगे और फिर हम इसको लगातार चलाते हुए इसको रोस्ट करना है। तो ये 4 से 5 मिनट में लो मीडियम फ्लेम पे हमें इनको रोस्ट करना है। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो ये रोस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरे को 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको रोस्ट करते हुए, तो तिल यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। अभी हम इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। अभी इसके बाद हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे एक पैन में मूंगफली डाला है और इसको भी लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज हो रहा है। मूंगफली का हमें छिलका भी निकालना है, तो इसको अच्छे से हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मूंगफली का कलर चेंज हो गया है, तो ये भी रोस्ट हो चुका है। ये देखिए, मैं इसके मूंगफली के छिलके निकाल के रखूंगी और इसके बाद मैं यहाँ पे मिक्सी का एक जार लूंगी और उसमें डालूंगी ये रोस्टेड तिल और उसके साथ में हम इसमें डालेंगे जो हमने मूंगफली को रोस्ट करके रखा था, वो छिलका मैंने निकाल दिया है। और फिर मैं यहाँ पे 1/2 कप जितना गुड़ लूंगी और अभी हमें इसको पीस लेना है। दरदरा पाउडर बना देंगे। तो ये देखिए,
अगर आप चाहो तो इसमें एक टेबल स्पून जितना घी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, देखिए। तो ये हमारा पाउडर बन के तैयार है। अभी हम इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे, ये देखिए। ये लड्डू बन जाएंगे। अगर ज़्यादा ड्राई हो तो आप इसमें एक टेबल स्पून जितना घी भी ऐड कर सकते हो, तो लड्डू आराम से बन के तैयार हो जाते हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ पे एक एक करके सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। सर्दियों में आप खाइए, ये बहुत हेल्दी होते हैं। और ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता डाल के गार्निश कर लूँगी। तो वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।